नमस्कार दोस्तों, भारत के दुनिया में बढ़ते हुए प्रभाव का एक और उदाहरण देखने को मिला है। ये उदाहरण अमेरिका से देखने में आया है। एक और उदाहरण तो आप सब लोग टीवी पर देख ही रहे होंगे, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में हैं और भारत के गुणगान गा रहे हैं। चाहे दुनिया में कोरोना हो या दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध चल रहा हो, भारत की इकोनॉमी मजबूती से खड़ी हुई है, इसलिए दुनिया का कोई भी देश भारत को नाराज करने की गलती नहीं कर सकता है। भारत के पड़ोसी देशों के हालात तो आपने देख ही लिए होंगे, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आते हैं, सब चाइना का गुणगान करते थे, और अब हालत ये है कि चाइना भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। वहीं पर श्रीलंका की मदद के लिए भारत हमेशा से साथ खड़ा हुआ है। दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ कद और चाइना से उठता हुआ भरोसा अमेरिका के इस बयान से जाहिर हो जाता है। अमेरिका ने एक बार फिर कड़े शब्दों में पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है। रूस का समर्थन लेने के मामले में अमेरिका ने चीन को फटकार लगाई है। अमेरिका का कहना है कि चीन को प्रतिबंधों से सबक लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर अमेरिका ने नरमी दिखाई है। अमेरिका का कहना है कि भारत रूसी हथियारों पर पूरी तरह से डिपेंड है। यूएस डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने ब्रसेल्स में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चीन यूक्रेन के हालात संभालने में भारत की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि वो रूस के साथ खड़ा है। वेंडी का कहना है कि रूस के खिलाफ जिस तरह से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उम्मीद है उसे देखकर चीन को सबक लेगा। चीन ने देखा है कि हमने रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं, इससे चीन का अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमारे पास किस तरह से विकल्प हैं, हम जरूरत पड़ने पर क्या कुछ कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर एक तरीके से चीन को चेतावनी थी। भारत के प्रति नरम रुख रखते हुए वेंडी शर्मन ने कहा कि हमें पता है कि भारत के पास जितने भी हथियार हैं उनमें ज्यादातर रूस के खरीदे हुए हथियार हैं और भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हालांकि वेंडी शर्मन ने कहा कि भारत की रूस के हथियारों पर निर्भरता को हम कम करने की कोशिश करेंगे। ये निर्भरता एक दिन में खत्म नहीं होगी। अब आप खुद समझदार होंगे, यहाँ पर अमेरिका अपने हथियारों की मार्केटिंग करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि भारत के डिफेंस प्रोडक्ट में बहुत बड़ी मार्केट है। आज तक अमेरिका भारत में अपनी ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाया था, उसका फोकस पाकिस्तान पर था। पाकिस्तान आर्मी में आपको अमेरिकन हथियार ज्यादा दिख जाएंगे। वेंडी शर्मन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रूस की निंदा करने को लेकर यूएन की बैठक भारत गैर हाजिर था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने जो बाइडेन को बताया चीन के साथ लगी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें रूसी हथियारों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। रूसी हथियारों का विकल्प काफी महंगा है। अमेरिका भारत की परेशानी समझता है। हम कोशिश करेंगे कि रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम की जाए। आगे की वीडियो में आप वेंडी शर्मन का वो बयान देखेंगे। India is incredibly consequential country for all of us. It is a democracy. It's a messy democracy, but so are we. You may have noticed we've had a few events in the last couple of years that are pretty messy in the United States. So they're not an easy democracy, but they're a young democracy. And they are very worried about the PRC. They understand that their future, their military, which was built on Russian weapons, probably doesn't have a future with Russian weapons anymore because our sanctions have pulled back the military-industrial complex of Russia, and it's not coming back anytime soon. So we're going to work with India to support them as a growing and important and consequential democracy, which they are. And by 2030, they're going to be the largest everything, the largest wealthy class, the largest middle class, probably the largest poor class. But they're the largest everything. And they're a partner with us, and they're a partner in the Asia Quad, along with Australia and Japan.